हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, सो आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आरपीएससी राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन प्रॉपरली बताऊंगी किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, सेट क्वालिफाई या फिर पीएचडी मैंडेटरी है। नेट क्वालिफाई होगा देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और उसके साथ ही साथ आपका बीएफए एमएफए, आपको तो पता ही है कि एमए या फिर एमएफए होगा देन जब ही तो नेट क्वालिफाइड होंगे। अच्छे से देखिएगा, जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो पाए कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँगी। होप्स तो आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप अगर एलिजिबल हैं तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी किस तरह से फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उनके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, विद सिलेबस की क्या क्या सिलेबस आने वाला है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है, यहाँ पर टैप करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। तो मैंने ऑलरेडी पहले से टैप किया हुआ था, यहाँ पर जस्ट सर्च करूँगी कुछ इस तरह का इंटरफेस लाइक दिस वन, सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट जॉब ऑनलाइन फॉर्म। बस आपको ये टैप करना है, तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना होगा, फोर्थ नंबर पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म, आपको यहाँ पर टैप करना है। देन स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2023, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 123 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन www.sarkaririzult.com, आपको यही सर्च करना होगा। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं और एप्लीकेशन फ़ी। डेट आज से पोर्टल ओपन हो चुका है 26/6/2023 और लास्ट डेट है 25/7/2023। फ़ी और लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट 25/7/2023, सेम लास्ट डेट वाले ही दिन आपकी फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके एग्ज़ाम्स हो जाने वाले हैं। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जनरल अदर्स की फ़ी है 600, ओबीसी एससी की है 400, ओबीसी और बीसी की 400 है, एससी एसटी इनकी भी फ़ी 400 ही है। और आपको कैसे पेमेंट करना है, थ्रू नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, जैसे आप नेट का फॉर्म फिल करते हैं पेमेंट करते हैं जस्ट सेम उसी तरह है। राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एज लिमिटेशन, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं 1913। अब देख लेते हैं फाइन आर्ट्स में कितने हैं और आप ये भी नोटिस कीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो आपको पता है ना कि नेट जेआरएफ में कितने परसेंटेज, 55% पे आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि आपका डिग्री जो मास्टर डिग्री में होगा वो 55% होना चाहिए, एमएफए एमए या फिर एमबीए, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, राइट। अब देख लेते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट के पास, फाइन आर्ट्स लाइक ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, आप लोग अपने सब्जेक्ट्स भी देख लें जो अदर सब्जेक्ट्स हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग, बीएमए वाले ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए फिल कर सकते हैं, 35 सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं। और आर्ट हिस्ट्री की 2 सीट्स हैं लाइक दिस वन, आर्ट हिस्ट्री 2 सीट्स हैं। अप्लाइड आर्ट में 5 सीट है, स्कल्पचर में 5 सीट है, पेंटिंग में 5 सीट है। लाइक अगर आपने बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एमएफए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है तो आप किस फील्ड से हो, लाइक मेरा तो पेंटिंग था एमएफए पेंटिंग, बीएफए एमएफए पेंटिंग, बट आप जिस सब्जेक्ट से होंगे उस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और जो स्पेशली बीएएमए वाले स्टूडेंट हैं, बीएएमए वाले, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ, उन्हें ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही फिल करना होगा। चलिए फिर देख लेते हैं फॉर्म फिल कैसे करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, शो कर रहा है एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट, एक्टिवेट हो चुका है 26/6/2023।
डाउनलोड नोटिफिकेशंस में जब आप क्लिक करोगे तो सारे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, लाइक सिलेबस के बारे में भी अब डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। तो देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो ड्राइंग एंड पेंटिंग से अगर आपने बी ए एम ए किया है और डेफिनेटली नेट क्वालिफाइड कंपल्सरी है, नेट क्वालिफाइड है या फिर पी एच डी सेट, तो आप एलिजिबल हैं। टेक्निकल आर्ट जो प्राविधिक कला कहते हैं और बॉम्बे आर्ट, ये स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। हाँ, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो भी एलिजिबल नहीं है। चलिए फिर सिलेबस में देखते हैं। सिलेबस ऑल ओवर, अगर आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देखिएगा। सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, सिलेबस के साथ साथ मैं सारे पॉइंट्स बताऊँगी कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और ऑल ओवर सिलेबस भी आपका कवर अप करा दूँगी। ठीक है, आज तो जस्ट सिलेबस शेयर कर रही हूँ। सिलेबस से रिगार्डिंग आपको डिटेल में पूरी थ्योरीज चाहिए होगी तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। मैं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज भी प्रोवाइड करूँगी आरपीएससी से रिगार्डिंग, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। सो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस क्या क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं पेपर फर्स्ट का सिलेबस पहले देख लेते हैं। 3 पेपर्स होंगे आपके, 150 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में होने वाला है। सेकंड पेपर में भी आपके 150 क्वेश्चंस ही आएंगे, इन दोनों में अपने सब्जेक्ट्स आएंगे, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग। और जो थर्ड पेपर होगा वहाँ पे 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो राजस्थान जीके जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक 50 मार्क्स के आएंगे। और ये दोनों जो 150 क्वेश्चंस है ये 75 मार्क्स के दोनों हैं। और टाइमिंग बता देती हूँ, पेपर फर्स्ट में आपको 3 आवर टाइम मिलेगा, पेपर सेकंड जो 75 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर भी आपको 3 आवर टाइम मिलेगा, बट जो 50 मार्क्स के आरपीएससी राजस्थान से रिलेटेड जीके जीएस पूछे जाएंगे उसमें आपको ओनली 2 आवर, केवल 2 घंटे मिलने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट जो भी यूनिट्स हैं वो सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही आपको कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप आरपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिवीजन फिर से करा दूँगी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में जो यूनिट्स कवर करना है वो है डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ आर्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट लाइक क्रिएटिव प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है फोक आर्ट, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में फोक आर्ट के बारे में भी है। वो सारे फोक आर्ट नहीं, बस यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस में बताए गए हैं, लाइक मंडला, पिछवाई, फर्ड और कवर्ड, ये चारों राजस्थान के फेमस फर्ड आर्ट हैं। अब यूनिट सेकंड देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट लाइक प्री हिस्टोरिक टू मुगल राजस्थानी पहाड़ी, जो मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको काफ़ी बार यूट्यूब पे क्लासेस दी हैं, इवन अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर किए हैं, फिर भी एक बार और बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस प्री हिस्टोरिक आर्ट इन द वैली सिविलाइजेशन, सुंग पीरियड, सांची, भरहूत, कुषाण पीरियड, गांधारा स्टाइल, बाघ, सिगिरिया, जोगीमारा, अजंता, जैन पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती एंड डूंडार, बट यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ पर्टिकुलर 2 के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, हड़ौती, कोटा, बूंदी, कोटा बूंदी एंड झालावाड़ 3 है, बट यहाँ पे सिलेबस में कोटा और बूंदी के बारे में मेंशन किया गया है। डूंडार, डूंडार में आपको जयपुर और अलवर के बारे में डिटेल में देखना है। पहाड़ी में कांगड़ा एंड बसौली, देन मुगल स्कूल। यूनिट थर्ड देख लेते हैं कौन सा है, लाइक यूनिट थर्ड यहाँ पर आर्टिस्ट को कवर करना है, आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के आर्टिस्ट कौन कौन से आर्टिस्ट हैं ध्यान से सुनिएगा, जो सिलेबस में वो मैं बता रही हूँ। रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, भवानी चरण गोई, द्वारका प्रसाद शर्मा, राम जायसवाल, सुरेश शर्मा, मोहन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, ज्योति स्वरूप, आरवी साखलकर, राइट। अब यूनिट 4 देख लेते हैं, मेजर फेज ऑफ इन वेस्टर्न पेंटिंग। वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में आपने नेट जेआरएफ की जो तैयारी की होगी तो सारे ही यूनिट्स पढ़े होंगे, वेस्टर्न आर्ट से प्री हिस्टोरिक टू कंटेम्प्रेरी। देख लें यहाँ पे यूनिट में क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट 4th है मेजर फेज इन वेस्टर्न पेंटिंग लाइक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इजिप्शियन आर्ट, मेसोपोटामियन आर्ट, एशियन सिविलाइजेशन, क्रीट एंड माइसिनिया,
ग्रीक आर्ट, रोमन आर्ट, बेंजेंटाइन, गॉथिक, रोमनेस्क, बरूक एंड रोको स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी और शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है माई इंपॉर्टेंट नोट्स करके, वहाँ पे आप विजिट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर ही, आपको बहुत शॉर्टली इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं यूनिट फिफ्थ में क्या कवर करना है। ईस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी लाइक एस्थेटिक के बारे में डिस्कस किया जाए। भरत मुनि ने जो 8 रसास बताए थे, 9 रस जो है अभिनव गुप्त ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है लाइक अभिनव गुप्त के बारे में भी आप डिटेल में देखिएगा, वेद, पुराण, वात्स्यायन थ्योरीज। पता है ये बहुत आसान सा है, आप वैदिक एज पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा मेरे नोट्स से तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इन शिवा, बुद्धा एंड जैन रिलीजियस एंड फिलॉसफी, रविनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी। तो फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में आप एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को भी तो आपको कवर अप करना है लाइक लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस, टोनल वैल्यू। फिर आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को आपको अच्छे से कवर करना होगा। क्रिएटिव प्रोसेस लाइक ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। और 6 लिम्स ऑफ षडांग के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा इन इंडियन एंड चाइनीज पेंटिंग, इंडिया और चाइनीज षडांग के बारे में भी, और चाइनीज जो शी हो करके हैं उनके भी डिटेल में देखिएगा। कुछ नया तो है नहीं, सारा ही मैंने इस चैनल पे कवर भी किया है, काफ़ी बार आपके साथ ये पॉइंट शेयर की हूँ। मेजर ट्रेंड्स इन यूनिट सेकंड में है मेजर ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, सेम यूनिट सेकंड मतलब पेपर सेकंड में भी सेम सेकंड यूनिट में वही बात किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दिया गया लाइक कंटेम्प, वहाँ पर तो मुगल तक एंड हुआ था पेपर फर्स्ट में, अब यहाँ पर आपको कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग और राजा रवि वर्मा के बारे में देखना है, बंगाल स्कूल, अवनीनाथ टैगोर, उनके सारे डिस्क्रिप्शंस, उनके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अमृता शेरगिल, पैग ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, कोलकाता ग्रुप, चोलामंडल, दिल्ली शिल्पी चक्र एंड बड़ौदा ग्रुप के बारे में डिटेल में देखना होगा। फेमस आर्टिस्ट हैं उनके स्कल्पचर के बारे में लाइक आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है लाइक अवनीनाथ टैगोर, रविनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, ईवी हैवेल, असित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, के हैबर, एनएस बेंद्रे, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, एस एच रजा, के एच आरा, के जी सुब्रमण्यम एंड सतीश गुजराल, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, राइट। अब स्कल्प्टर यूनिट सेकंड में ही स्कल्प्टर को भी कवर किया जा रहा है, ये तो मैं आर्टिस्ट बताई हूँ, पेंटर्स स्कल्प्टर में देखिए किसी किसे पढ़ना होगा आपको, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, कोलकाता ग्रुप के जिनको फाउंडर कहा जाता है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी के बारे में भी डिटेल में देखिएगा। अवनीनाथ टैगोर के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी फेमस रहते हैं स्कल्प्टर की फील्ड में, मूर्तिकार हैं। राम किंकर बैज नंदलाल बोस के स्टूडेंट, बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, इन्होंने इंडिया में किसका स्टार्टिंग किए थे ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। नेक्स्ट है धनराज भगत, शांको चौधरी, हिमत शाह, नागजी पटेल, उषा रानी हूजा एंड अनीश कपूर। तो इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, कुछ भी न्यू टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलिए यूनिट 3 देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट 3 में आपको कवर करना है इंडियन टेम्पल्स, आर्किटेक्चर एंड स्कल्प्टर, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, कोणार्क टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स एंड मीनाक्षी टेम्पल। ये यूनिट भी न्यू नहीं है, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है। नेक्स्ट है टेम्पल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के टेम्पल्स के बारे में भी आपको डिटेल से देखना है, जैसे किराणु टेम्पल, और वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा वाला टेम्पल था, माउंट आबू का, उस टेम्पल को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, ओके। दिलवाड़ा का माउंट आबू टेम्पल, अंबिका टेम्पल, जगत टेम्पल, ये सारे डिटेल में देख लीजिएगा। अब यूनिट 4 देख लेते हैं, उसमें आपको कौन कौन सा इलेक्टिव कवर करना है लाइक यूनिट 4 है, ये भी वेस्टर्न एंड मॉडर्न आर्ट के बारे में। आप वहाँ तक कितना पढ़े लाइक प्रॉपर वेस्टर्न आर्ट नहीं था, बट यहाँ पे नियो क्लासिज्म से शुरू हो जा रहा है, वहाँ प्री हिस्टोरिक से शुरू हुआ था। जब आप सेकंड पेपर में बैठोगे तो नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फेविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मेटाफिजिकल पेंटिंग, दादाइज्म, सरलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, एक्शन पेंटिंग, मिनिमल आर्ट, पोस्ट मॉडर्न आर्ट। तो ये सारे यूनिट्स को आपको कवर करना है। 5 यूनिट में भी यहाँ पे आपको वेस्टर्न आर्ट के सारे एस्थेटिक को कवर करना है, इवन फिलोसफर, एस्थेटिक फिलोसफर लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, बॉमगार्टन, हिगल, इमैनुअल कांट, सिगमंड फ्रायड, लीटॉल्स्टॉय, क्रॉचे,
जॉर्ज संताना, सुजैन लैंगर, आईए रिचर्ड, रॉजर फ्राई, क्लाइव बेल। सो फाइनली मैंने सारे यूनिट्स आपको डिटेल में बता दिए हैं और इन यूनिट्स में कोई भी पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक नहीं था जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं हो। और अगर आपको अच्छे से समझना है, जो भी पॉइंट्स में कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फॉर्म फिल करें। बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जिनका भी नेट JRF क्वालिफाई है या फिर सेट क्वालिफाई है, PhD कर रहे हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। और थ्योरी के रिगार्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स होगा 75 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150, ड्यूरिंग्स ऑफ पेपर के टाइमिंग जो होंगे 3 आवर होंगे, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स मिलेंगे। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मीडियम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, दैट्स ग्रेट पॉइंट, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के बारे में डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस कैसे लगे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।